मेरी कितनी फिक्र करते हो, मुझे कितना समझाते हो। तो उस चक्कर में मैंने वो वीडियो बनाई है दोस्तों, ये देखो। गुड इवनिंग साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आप अच्छे रहें और हमेशा ऐसे ही साथ बनाए रखें, यही उम्मीद चाहती हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कल मैंने जो प्रैंक वीडियो डाली थी, कई दोस्तों को भाइयों को वो अच्छी नहीं लगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और मेरी मनसा कोई आप लोगों का दिल दुखाने का नहीं था। सीमा ने क्या किया कि वहाँ पे वीडियो देखी और कहने लगी ऐसी वीडियो बनाओ, इस पे ना कमेंट और व्यू बहुत ज़्यादा, मतलब व्यू ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम पे मुझे ये लग रहा है कि चलो व्यू आने चाहिए, क्योंकि जब व्यू आएंगे तभी कुछ यूट्यूब से मेरी इनकम होगी। तो उस चक्कर में मैंने वो वीडियो बनाई है दोस्तों, और आप लोगों को बुरा लगा हो तो प्लीज़, आपके मन को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरी ऐसी कोई मनसा नहीं थी कि मैं आप लोगों का दिल दुखाऊं। और दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इस बारे में समझाया, एक फैमिली की तरह आपने मुझे ट्रीट किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज मुझे पूरी तरह से पता चल गया कि आप लोग मेरी कितनी फिक्र करते हो, मुझे कितना समझाते हो। एक माँ की तरह, एक बाप की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक भाइयों की तरह आप लोग मुझे समझाते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि दोस्तों ऐसा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा क्या करें कि व्यू आ जाए। और उसने बताया तो हमें लगा कि चलो हमें बना लेनी चाहिए, और हमने बना ली दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आपको पता ही है कि मुझे कितनी ज़रूरत है काम की, और काम भी मिल नहीं रहा मुझे, क्योंकि अब कोई काम भी नहीं है खेतों में। और ऊपर से क्या है कि चलो काम मिल भी जाए कोई बात नहीं, मेरे ना पैरों में ना बड़ी सूजन हो रही है, बहुत सूज रहे हैं पैर, सर्दी की वजह से ना बहुत ज़्यादा सूज रहे हैं, मेरे से चला भी नहीं जा रहा। मैं ना लंगड़ा लंगड़ा के चलती हूँ, मैं जूती वगैरह भी नहीं डाल सकती, डालती हूँ तो और ज़्यादा दुखते हैं, तो चला भी नहीं जा रहा कि चलो कहीं अगर दिहाड़ी मिल जाए तो बंदा चला जाए, वो काम भी नहीं मुझे मिल रहा। दिखाती हूँ आपको, देखो देखो दोस्तों, आई जो जो ना, ये देखो कैसे है ना पैर सूज रहे हैं, देखो ये देखो। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन हो तो बताओ, ये देखो ये देखो, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है देखो। तो दोस्तों, बस मैं आप लोगों से ही कहना चाहती थी कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर आप लोगों को बुरा लगे, और प्लीज़ मुझे कोई आइडिया ऐसे देते रहना। एक फैमिली की तरह आपने मुझे समझाया, मेरे लिए बड़ी, मतलब ये तो भाग्य की बात है, मैंने पहले भी बोला है। और कोशिश करूँगी दोस्तों कि आप लोगों का दिल ऐसे ना दुखाऊं, और जिनको अच्छा लगा और जिनको नहीं अच्छा लगा, मैं दोनों से ही माफ़ी मांगना चाहूँगी। और बस आज का मेरा वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना।